हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका अपने स्कॉलर स्टडी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पहली बार यदि आप लोग मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं CTS के फॉर्म के बारे में, क्योंकि दोस्तों CTS का जो फॉर्म है उसकी जो लास्ट डेट है वो दोस्तों बढ़ा दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये जो CTS की लास्ट डेट है वो दोस्तों यहाँ पर फॉर्म चल रहे हैं। क्या लास्ट डेट है इसके बारे में भी दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ITI वाले स्टूडेंट मेरी वीडियो देखने के लिए आए हैं, ये वीडियो दोस्तों उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों ने ITI का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है। क्योंकि दोस्तों आप में से बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने ITI में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि ITI की जो लास्ट डेट है वो दोस्तों 28 अगस्त को लास्ट हो चुकी है। अब दोस्तों लास्ट डेट जो है वो नहीं बढ़ेगी। यदि आपने ITI में एडमिशन नहीं लिया है तो दोस्तों आप CTS में एडमिशन ले सकते हैं। CTS में दोस्तों एडमिशन लेने के लिए आपको कोई भी ITI की आवश्यकता नहीं है। यदि दोस्तों आपने केवल हाई स्कूल पास किया है तो दोस्तों आप CTS में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर दोस्तों दो तरीके के फॉर्म होते हैं। एक होता है दोस्तों CTS और दूसरा होता है दोस्तों CITS। CTS जो होता है वो दोस्तों हाई स्कूल पास जो हो जाते हैं स्टूडेंट वो दोस्तों कर सकते हैं, और CITS जो होता है वो दोस्तों CTI का फॉर्म होता है, यानी कि दोस्तों जिन स्टूडेंट ने ITI कर लिया है वो दोस्तों CITS कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपने CTS कर लिया है तो भी आप यहाँ पर CITS कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों मैं बताता चलूँ, ITI और CTS की जो मान्यता है वो दोस्तों सेम है, यानी कि अगर कहीं पर आपसे ITI मांगा गया है वहाँ पर अगर आप CTS का फॉर्म लगा देते हैं तो दोस्तों वहाँ पर आपका जो मान्यता है वो दोस्तों बराबर रहेगी, आपको वहाँ पर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यदि दोस्तों आपने CTS में फॉर्म अभी तक नहीं डाला है तो दोस्तों जल्दी से डाल दीजिए, क्योंकि दोस्तों अब ITI में जो लास्ट डेट है वो समाप्त हो चुकी है, लेकिन दोस्तों CTS की अभी डेट चल रही है। कब तक के लिए डेट बढ़ गई है दोस्तों, हम यहाँ पर ये बात करने आए थे। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कितने टाइम तक यहाँ की डेट जो है वो बढ़ चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम अंदर जाएंगे इस लिंक पे क्लिक करके तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको दोस्तों एक नीले कलर की पट्टी ऊपर चलती हुई दिखाई देगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। ये जो पट्टी है ये चल रही है, अभी चली गई है। अब देखिए दोस्तों ये दोबारा से आई है। यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग टू CTS ट्रेड्स इज़ 15 सितंबर 2021, यानी कि दोस्तों अगर आप जो है इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों 15 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पर पहले रेप पंजीकरण करना होगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर देना होगा। यहाँ पर एडमिशन कैसा होता है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूँ एडमिशन किस प्रकार होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए एडमिशन के बारे में लिखा हुआ है। पहले यहाँ पर दोस्तों आपको ऑनलाइन जो है फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी होती है। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद दोस्तों आपको ट्रेड चूज़ करना होता है। यहाँ पर दोस्तों जो ट्रेड होते हैं जो ITI में ट्रेड होते हैं वो ही सेम ट्रेड दोस्तों यहाँ पर भी होते हैं। यहाँ पर दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है, जैसे ITI में एडमिशन होता है वैसे ही दोस्तों इसमें भी एडमिशन होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है, यहाँ पर आपकी हाई स्कूल की जो मेरिट है उसी के बेस पर यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है वो दोस्तों होने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जब ट्रेड आप जो है चूज़ कर लेंगे और अपना इंस्टीट्यूट चूज़ कर लेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका नाम आएगा और उसके बाद आप यहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर जो है एडमिशन ले होता है। जैसा दोस्तों ITI में प्रोसेस है सेम प्रोसेस दोस्तों CTS का भी है। यदि दोस्तों आप करना चाहते हैं तो दोस्तों आप कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो नीचे कमेंट करके भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके साथ दोस्तों नीचे आपको मेरा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा ITI से संबंधित, उस पर जुड़ करके दोस्तों ITI के वहाँ पर बहुत से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाएंगे तो आपके भी वहाँ पर सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो को आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अब आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।